डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले पार्ट में फाइबर टू फैब्रिक एक्सरसाइज को पूरा क्लियर किया, मतलब उसके टॉपिक को कवर किया। आज हम लोग उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। जब हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, जब उसको समझ चुके हैं, तब ये आप भी आसानी से कर सकते हैं या मैं करा दे रहा हूँ, जिसे आप लोग फेयर में नोट कीजिएगा। अब इसे रफ में नहीं नोट कीजिएगा, कहाँ नोट करना है, फेयर में। तो आइए देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर, चार ऑप्शंस आपको गिवेन है, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन पे आपको सही करना है। और थोड़ा आज मूड ऑफ है, मूड ऑफ इसलिए है कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा ही करेंगे क्लास। देखो, द मटेरियल डेट वी यूज फॉर क्लॉथिंग इज कॉल्ड, किस मटेरियल से क्लॉथ बनता है उसको हम लोग कहते हैं फैब्रिक्स, पढ़े ही हो। ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ लूज थ्रेड कॉल्ड यार्न। डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स। देख लो बाबू, सिल्क, नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, ये क्या है, मैनमेड फाइबर्स है। ये सिल्क, सिल्कवॉर्म से मिलता है, तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स है। डैश इज अ एग्जाम्पल ऑफ मैनमेड फाइबर्स। अब देखो, जूट, वूल, सिल्क, ये नेचुरल फाइबर्स है, ये जो है क्या है, मैनमेड फाइबर्स है। कॉटन प्लांट रिक्वायर्स वार्म टेम्परेचर ranging between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius with sunny dry weather at the time of harvesting. इसके बाद हम लोग fill in the blanks and true false अगले पार्ट में देखेंगे ये, और इसे आप कंप्लीट करके फेयर में राइट कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं इसी जोश और इसी उमंग के साथ अगले पार्ट में। सो बाय माई डियर स्टूडेंट।